हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ड्रींस मैं हूं स्वाति आपकी इंग्लिश एजुकेटर और मैग्नेट ड्रींस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी क्लासेस किंडर गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्व तक इसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम्स uh, होते हैं लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक ओलम्पियाड एन टी एस सी जी नीट उसके अलावा जो आई सी एस सी और सी बी एस सी की बुक्स होती है इवन हिंदी मीडियम सारा कंटेंट हर सब्जेक्ट का आपको मिलता है यहाँ पे बिल्कुल फ्री मतलब आपको वन और टू चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है

The children have landed अमंगस्ट strange people. What does the future here इन for them what What uh, what does the future has in store for them? So now here, यू रिमेंबर कि हमने पढ़ा था जो हमारा लास्ट प्ले था जो फर्स्ट सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि जो चारों बच्चे होते हैं ओमा साशा लीना ये सारे लोग जो होते हैं ये अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं क्यों क्योंकि वो एक वॉर जहाँ पे हो रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री में है जहाँ हर चीज़ तहस नहस हो चुकी है वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपनी बुद्धिमता का प्रयोग कर रहे हैं एंड फाइनली यहाँ पे क्या होता है ओमार और साशा जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो जाएं और जाके अपने लिए जो है जगह ढूंढ पाएँ मतलब रियूबल तक पहुँच पाएँ नाउ सीन सिक्स स्टार्ट होता है सीन सिक्स देख लेते हैं द फॉर्चून टेलर सिट्स

फोर व्हील्स होती हैं जो कि हॉर्सेस जो है उसे पुल करते हैं और जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना वो तो वो अपने घोड़ा गाड़ी पे बैठे होते हैं ऑफ कॉफ़ी इन हैंड उनके हाथ में कॉफी का मग होता है एंड द इट पर्स्ट हिम और उनका जो तोता होता है वो आके उनके बगल में बैठ जाता है एंड आउल बैकग्राउंड तभी उन्हें बैकग्राउंड में एक आउल के हुट करने की आवाज आती है फॉर्चून टेलर कहता है दैट लकी एवरी टाइम आई हेयर एन आउल आई थिंक इट माइट बी देम तुमने सुना वो आउल ने हुट किया हर बार जब कोई आउल हुट करता है तो मुझे लगता है शायद मेरे बच्चे हैं ही पुट्स हिज हैंड्स टू हिज माउथ एंड कॉल्स बैक वो अपना हाथ अपने मुँह पे रखते हैं और आउल के हुट करने की आवाज़ निकालते हैं अब आते हैं हम सीन सेवन पे फ्रैन इज सटिंग एट अ टेबल इन अ हाउस ट पीस ऑफ पेपर फ्रैन जो है ये जो सेवन सीन है यहाँ पर फ्रैन जो ओल्ड लेडी है वो अपने घर के टेबल पर बैठी हुई है और उनके हाथ में एक पीस ऑफ पेपर है ब्रूनो कम्स एंड विद समल्स तभी ब्रोनो आती है और वो जो है कुछ पार्सल्स लेके आती हैं फ्रैन वट इट यू गेट ट्रूनो सो वो बोलते हैं क्या तुम्हें क्या मिला ब्रोनो द मार्केट इज़ ऑलमोस्ट एम टी वो बताती हैं मार्केट पूरा खाली है Mrs. सोकनी आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू फॉर टू आवर्स फॉर द फ्यू कैरेट्स एंड सम ब्लैक ब्रेड मुझे घंटों तक जो है लाइन में खड़ा रहना पड़ा सिर्फ कुछ कैरेट्स और एक ब्लैक ब्रेड के लिए ब्रोनो कैन यू रीड दिस फो मी आई हैव गॉट माई ग्लासेस फिफ्थ जो है वो बोलती हैं ब्रूनो क्या तुम तो मेरे लिए पढ़ सकती हो मैं अपने ग्लासेस नहीं लेके आई हूँ बोला इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है एक बच्चे ने एक डॉग की पिक्चर बनाई हुई है लिटल like इसमें लिखा है कि ये जो एक डॉग है ये आपके लिए है और ये वैसा ही एक डॉग की पिक्चर है जो, जो आपके पास हुआ करता था जब आप छोटे थे फ्रेन एस्टोनिस्ड दैट बॉय ऑन द ट्रेन ही ड्रीम यॉग तो वो एकदम से स्टोनिश मतलब सरप्राइज हो गई कि अरे वो जो बच्चा था जो ट्रेन में मिला था उसने मेरे लिए मेरी डॉग का पिक्चर बनाया इट इज़ गॉट सम राइटिंग ऑन द बैक अब वो बोलती है इसमें जो है कुछ पीछे लिखा हुआ है सेज इज ईजाबेल सॉर की नहीं उसने बोला पीछे कुछ लिखा हुआ है जब पीछे वो पलटती है तो उसमें क्या लिखा होता है इजाबेल सॉर की नहीं फिफ्टीन रियूबे तसोरो एक एड्रेस लिखा होता है वो एकदम से पेपर ले लेती है फ्रेंड सोर्कनी बट डेट्स माई नेम ये तो मेरा नाम है मस्ट बी अ थाउजेंड सॉज इन दिस सिटी अलोन तो दोनों ने कहा अरे इस सिटी में ही कम से कम हज़ार सॉर्कनीज होंगे आई हैव टू डॉटर्स आई हैवन सीन देम फॉर मैनी ईयर्स वी आर्ग्यूड दे वेंट अवे उसने बोला मेरी दो बेटियाँ हैं लेकिन मैंने उन्हें बहुत सालों से देखा नहीं है हमारे बीच में बहस हुई और वो लोग चले गए इट्स अ कॉमन नेम उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी अरे ये तो बहुत कॉमन नेम है फ्रेंड बोलती ऑफ कोर्स एक्सेप्ट द बॉय ही सेट हिज मदर शी शीज टू सिंग द लल बाय वो बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है ये तो बहुत कॉमन नेम है लेकिन वो जो छोटा बच्चा था ना वो बता रहा था मुझे कि उसकी माँ उसके लिए वही लोरी गाती थी ऑल मदर्स सिंग लल बायज वो तो हर माँ जो है वो लोरी गाती ही है यू आर राइट एक्सेप्ट व्हाट इफ दे वर माइंड माई ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड दे आर आउट देयर ऑल अलोन। उसने बोला तुम सही कह रही हो लेकिन अगर वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रेन हुए तो अगर वो मेरे पोता ना, नाती नातिन हुए तो और वो लोग वहाँ पे भटक रहे हैं और वो लोग अकेले हैं उनके साथ कोई भी नहीं है अब सीन एट आता है एट द चर्च टावर जॉर्जो इज पैकिंग अप एज़ उमार गोस ट्रू हिज़ बैग डेस्परेटली सो जॉर्जो जो है वो कुछ पैक कर रहा है और उमार जो है अपने बैग को बहुत अच्छे से चेक कर रहा है साशा कहती है आई टोल्ड यू टू बी केयरफुल एंड नाव यू हैव लॉस्ड आंटीज एड्रेस उसने बोला मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्लीज केयरफुल रहना और तुमने वो एड्रेस घुमा दिया उमार ऑलमोस्ट धोते हुए कहता है आई ड्री यू अ पिक्चर ऑन द ट्रेन आई मस्ट है रोंग पीस ऑफ पीपल उसने बोला मैंने ट्रेन में एक डॉग की पिक्चर ड्रा की थी मुझे लगता है मैंने गलत पेपर में ड्रा कर दी आई कॉन्ट ट्रस्ट यू फॉर अ मिनट साशा गुस्सा होते हुए बोलती है मैं तुम्हें एक मिनट भर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती आई कैन रिमेंबर इट रियुबल तसोरो वो बोलता है कि मुझे याद है वो एड्रेस उसमें लिखा था रियूबल तस्ोरो आर यू श्योर टू जॉर्जियो डू यू नो वेर दैट इज़ रियूबल तसोरो साशा बोलती है पक्का फिर वो जॉर्जियो से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है ये रियूबल तिसरो है कहाँ परू टेक जॉर्जियो कहता है हाँ मुझे शायद पता है वो बोलती है प्लीज़ हमें वहाँ ले चलोगे ऑल राइट देन बट आई वॉन्ट अ डॉग बोलता है ठीक है मैं ले चलूंगा लेकिन तुम्हारा डॉग मुझे चाहिए उमार बोलता है नो no. जॉर्जियो कहता है यू एक्सपेक्ट मी टू टेक यू देयर फॉर नथिंग तुम चाहते हो मैं तुम्हें तो वहां तक ले जाऊं और मैं उसके बदले में कुछ लूंगा भी नहीं यू कांट हैव वैलेंटाइन उमार जो है बहुत गुस्से में बोलता है तुम वैलेंटाइन को नहीं लेके जा सकते लीना बोलती है आई डोंट थिंक वी शुड टेक हिज डॉगी ली जो उसकी सिस्टर होती है जॉर्जियो की वो बोलती है हमें मुझे नहीं लगता हमें उनका डॉगी लेना चाहिए जॉर्जियो कहता है वट यू नो अबाउट इट यू नो हाउ टू गेट एस मनी गेट एस फूड तुम्हें क्या पता तुम्हें लगता है तुम्हें पता है कि हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे हमारे पास खाना कहाँ से आएगा पैसा कहाँ से आएगा ओमार बोलता है साशा मतलब ही वॉन्ट्स टिट साशा टू से समथिंग साशा कहती है जॉर्जियो से टेक अस देयर एंड यू कैन हैव द डॉग उसने बोला ठीक है हमें ले चलो वहाँ पे और डॉग को तुम रख लेना अब आते हैं सीन नाइन पे नॉर्मा इज स्किपिंग एंड सिंगिंग टू हर सेल्फ इन द र्यूबल तसौर फ्रैन अपेयर्स लुकिंग एट द दुवेंस ऑफ द हाउस नॉर्मा जो है वो स्किप कर रही है रस्सी कूद रही है और बस गाना गा रही है रियूबल तस्वरों में और तभी जो है फ्रैन वहाँ आती है और वो पूरा घर देखती है जो एकदम तहस नहस हो चुका है यू गर्ल यू नो द दिनिज फ्रैन पूछती है अरे बच्ची सुनो क्या तुम्हें सॉल्किनीस के बारे में पता है नॉर्मा उसको देखती है वेर डू दर्किन ये कहाँ रहते हैं है, सब चले गए हैं फ्रेंड बोलती है वो उसको इस घर की तरफ बुलाती है और बोलती है ईजा बला अलीशिया इट्स मी मामा मतलब वो घर की तरफ आवाज़ देती है ईजा बला अलीशिया देखो मामा आई हैं क्या इन द हाउस नाउ तो वो कहती है अब यहाँ पे सिर्फ बिल्लियाँ रहती है और कोई नहीं रहता फ्रेंड बोलती है आई मेट टू चिल्ड्रेन

सो so, वो बोलती है जब उसको वो याद आता है कि एक खज़ाना है जो तुम्हें तो हाथों से फिसल गया और वो ज़िंदगी में एक ही चीज़ ढूंढ रही थी अपनी फैमिली को और आज फाइनली उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उससे मिले लेकिन वो उनसे मिल भी नहीं पाई तो वो कहती है आई ओनली हैव अ पास फॉर वन डे मैं एक दिन में एक ही बार ट्रैवल कर सकती हूँ मेरे पास एक ही पास है मुझे जाना ही पड़ेगा मेरे बच्चों को ढूंढने के लिए यू वॉन्ट टू अर्न सम मनी फिर वो उस बच्चे से बोलती है क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहती हो तो नॉर्मा कहती है येस आई डू देन लिसन वेरी केयरफुली फिर वो बोलती है तो फिर ध्यान से सुनो अब आते हैं हम सीन टेन पे उमार एंड साशा स्टैंड विद जॉर्जियो एंड लीना एंड देयर प्रैम इन एन एलीवे उमार और साशा जो है जॉर्जियो लीना के साथ खड़े हुए हैं उनका जो प्रैम है वो एक एलीवे में है एलीवे मतलब क्या होता है अनेर पैसेज बिहाइंड और बिटवीन बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के बीच में जो जगह होती है उसको हम एलीवे कहते हैं उमार कहता है दिस इज नॉट द राइट प्लेस दिस प्लेस इज ऑल बॉम्ब्ड बोलता है नहीं ये जगह नहीं हो सकती ये जो पूरी प्लेस है वो तो उसमें तो मतलब बॉम्बिंग हो चुकी है धमाके हो चुके हैं जॉर्जो हैंड ओवर द डॉग यही वो जगह है चलो अपना डॉग मुझे दो अब साशा यू हर्ड हिम उमार मतलब तुमने सुना ना उसने क्या कहा उसको डॉग दे दो नो यू गिव हिम वैलेंटाइन एंड यू आर अ मर्डर उमार कहता है अगर तुमने वैलेंटाइन दिया तो यू विल बी अ मर्डर तुम जो हो एक कातिल होगी लीना कहती है डैडी वुड नेवर टेक समब वो जॉर्जियो से कहती है तुम मत लो अगर हमारे फादर होते वो कभी किसी का डॉग नहीं छीनते जॉर्जियो कहता है डैडी इज एंट ही इज ही डैडी नहीं है यहाँ पे, क्या है वो यहाँ पे। लीना दोने लग जाती है जॉर्जियो कहता है वी कैन सेल इट दे आर ईटिंग वैट्स इन दिटी उन्होंने बोला हम इसे बेच सकते हैं सिटी में लोग चूहे खा रहे हैं क्योंकि कि किसी पास खाने के लिए कुछ है नहीं उमार प्लीज़ साशा वो रिक्वेस्ट करता है साशा से कि उसको बोलो हमारा डॉग नहीं ले जॉर्जियो डे यू वांट इट टू फाइंड आउट डू यू वॉन्ट टू टू फाइंड आउट फूड डू यू वॉन्ट टू गेट एस मनी एंड फाइंड प्लेसेज टू स्लीप एट नाइट तुम चाहते हो कि हमारे पास खाना रहे हमारे पास जगह रहे जहाँ हम रह सकें उमार रन वैलेंटाइन रन रन वो बोलता है वैलेंटाइन को जाओ जाओ यहाँ से दे ऑल लुक एट द प्लै नथिंग हैपन्स लेना कहती है इफ यू टेक द डॉग देन यू आर जस्ट एज बैड एज दोल्जर्स अगर तुमने डॉग को लिया तो तुम उतने ही बुरे हो गए जितने की सोल्जर्स हैं जॉर्जियो रीचेज इन टू हिस्स रक्सैक टेक्स आउट वन ऑफ द एपल्स इन अ बॉटल जॉर्जो जो है अपने रक्सैक में जाता है एंड ही टेक्स आउट वन ऑफ द एपल्स इन अ बॉटल फिर वो एक बॉटल में से एक एप्पल निकालता है जॉर्जियो ऑल राइट देन टेक दिस ऑन योर ओन लिविंग आई एम गोइंग इट्स नॉट माई जॉब टू लुक आफ्टर यू तो वो लीना के ऊपर गुस्सा करता है अपनी सिस्टर के ऊपर बोलता है ठीक है एक काम करो ये लो तुम अपनी ज़िंदगी खुद बिताओ मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है तुमको जैसे देना है जाओ मैं तुम्हारा अब जो है ख्याल नहीं रखने वाला मैं जा रहा हूँ जॉर्जियो गोज़ ओमार एंड साशा स्टैंड शॉक्ड। जॉर्जो चला जाता है ओमार और साशा वहाँ पे एकदम शॉक खड़े हो जाते हैं लीना कॉलिंग ऑफ टू हिम जॉर्जियो। लीना उसको बुलाने लग जाती है जॉर्जियो, जॉर्जियो, लेकिन वो नहीं सुनता द चिल्ड्रेन लुक एट द डिस्टिटेड स्ट्रीट सारे बच्चे वो एकदम जो तहस नहस हो चुकी सड़क है उसको देखते हैं साशा दर इज नो वन हेयर उमार ऑल द फैमिलीज आर गॉन साशाह बोलती है उमार यहाँ तो कोई भी नहीं है सारी फैमिलीज जा चुकी हैं उमार वी विल फाइंड आवर्स वी विल गेट वेलेंटाइन टू स्निफ मम्मीज जम्पर एंड फॉलो द सेंट लाइक अ ट्रैकर डॉग उसने कहा कि हम जो है हम अपना घर ढूंढ लेंगे हम ना वैलेंटाइन को मम्मा का जम्पर है ना उसको सूखाएंगे और वो एक ट्रैकर डॉग की तरह ना ट्रैक कर लेगा कि मम्मा कहाँ पर है सा बोलती है वैलेंटाइन कान ट्रैक ही नेवर इवन गेट्स आउट ऑफ दैट प्रैम उसने बोला वेलेंटाइन ट्रैक नहीं कर पाएगा वो तो प्रैम से कभी निकलता भी नहीं है उमर वी विल फाइंड मम्मी वी विल जस्ट हैव टू लुक हार्डर हम मम्मी को ढूंढ लेंगे हमें बस और मेहनत करने की ज़रूरत है साशा कहती है वी हैव नो फूड एंड नो मनी एंड नो वन टू लुक आफ्टर अस हाउ कैन वी कीप ऑन लुकिंग हमारे पास ना पैसा है ना खाना है और हमारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है हम कैसे ढूंढेंगे उमर सेट्स डाउन इनता जबल जबल का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग अगर टूट जाती है गिरा दिया जाता है उसको तो उसका जो पूरा जो कचरा होता है ना उसका जो पूरा जितना भी डैमेज ब्रेक्स होते हैं स्टोन्स होते हैं उन्हें रबल कहते हैं तो वो उसके ऊपर बैठ जाता है उमार कहता है मुझे घर जाना है आई वॉन्ट टू गो होम साशा कहती है वी कांट गो होम अदर पीपल लिव इन आ हाउस नाउ हम घर नहीं जा सकते हमारे घर में अब दूसरे लोग रहते हैं तभी नॉर्मा आती है नॉर्मा पूछती है व्हाट्स योर नेम सो साशा बोलती है तुम्हें क्या करना है नॉर्मा बोलती है आई हैव गॉट अ डिलीवरी बट यू हैव गॉट टू शो मी पेपर्स लाइक एट अ रोड ब्लॉक तो उसने बोला मेरे पास तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है लेकिन मैं तुम्हें वो सिर्फ तब दूंगी जब तुम मुझे अपने पेपर्स दिखाओगी जैसे सोल्जर्स को दिखाने पड़ते हैं ओमार अ डिलीवरी फॉर आस वो बोलता है हमारे लिए कोई डिलीवरी साशा कहती है इट्स अ स्टोरी ओमा शी हैज शी इज जस्ट मेकिंग इट अप वो बोलती है अरे उसके उसके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ ऐसी बातें बना रही है ओमा गेट्स आउट हिज पेपर्स और एनी वे एंड नॉर्मा लुक्स एट द हम शी वर्कस अवे दैन कम्स बैक विद्यूट केस द चिल्ड्रेंस स्टेज एट सो उमास जो है वो अपने पेपर्स निकालता है और नॉर्मा उसके ऊपर देखती है कि पेपर्स में क्या नाम लिखें फिर वो जाती है और एक केस लेके आती है केस मतलब स्यूट केस लेके आती है और बच्चे उसको देखते रहते हैं अ ग्रैंड माँ लेफ्ट इट फॉर यू एक जो बूढ़ी माँ थी वो तुम्हारे लिए छोड़ के गई हैं ये नॉर्मा पुट्स डाउन द केस एंड रनस ऑफ वो उसको सूट केस को नीचे रखती है और वहाँ से दौड़ के चली जाती है उमार लुकिंग एट अ नोट स्टक टू इट देर इज़ अ लेटर ही हैंड सेट टू साशा वो देखता है उसमें एक लेटर रहता है तो वो साशा को वो लेटर दे देता है उस लेटर में लिखा होता है माई चिल्ड्रन इफ़ यू शुड फाइंड दिस लेटर नो दैट आई एम सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग यू वैन आई माइट हैव मेरे बच्चों अगर ये लेटर तुम्हें तो मिलेगा तो प्लीज़ ये समझना कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी तब मदद नहीं करी जब मुझे करनी चाहिए थी आई एम सॉरी फॉर सो मच मोर देन दिस बट आई लीव यू अ प्रेजेंट टू हेल्प यू नाउ मैं बहुत सारी बातों के लिए शर्मिंदा हूँ लेकिन अभी मैं तुमको एक तोहफ़ा दे जा रही हूँ कम टू मी एट द एड्रेस एंड आई रिटर्न इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर माई ग्रैंड चिल्ड्रेन और यू सिंपली शेयर द सेम नेम जैसे ही मैं तुम्हें एक एड्रेस दे के जा रही हूँ उस एड्रेस पर आना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे नाती नाती हो या नहीं हो लेकिन मैं अब जो हूँ तुम्हारी मदद करूँगी क्यों ऑल चिल्ड्रन आर प्रेशियस लेट मी यू डू दिस टू यू वेन आई नेवर लेट मी टेल दिस टू यू वैन आई नेवर था टू से इट टू माई ओन डॉटर उसने बोला हर बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्रेशियस होता है मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ एक ऐसी बात जो कभी मैं अपने बच्चों को नहीं बता पाई एंड ब्रिंग योर लिटिल डॉग योस प्रिंसेस का सॉकिनी वो बोलती है हाँ और अपना जो डॉग है ना उसको भी लेके आना योस प्रिंसेस का सॉकिनी उमार ओपनस अप दूट केस जैसे ही उमार ये सब सुनता है वो स्यूट केस को खोलता है टीथ वी कैन ट्रेड फॉर फूड वो बोलता है इसमें तो दांत हैं वही नकली दांत तो साशा बोलती है हम इसे बेच सकते हैं और खाना जो है हमें मिल जाएगा उमर बोलता है वी आर रिच वी कैन गो एंड फाइंड हर वी कैन स्नेक थ्रू द दॉ वायर एंड गो बैक शी लेफ्ट अस हर बिजनेस शी लव्स अस वो बोलता अरे हम तो देखो कितने माला माल हो गए हम जो है वापस जो पूरे बाप डोयर्स हैं बाप डायर्स मतलब जो पूरे जैसे कहीं चीज़ कहीं लॉक करने के लिए वो ऐसे कांटे वाले वायर लगा देते हैं बोले हम उसमें से जले जाएंगे और हम उन्हें ढूंढेंगे वो हमसे प्यार करती हैं तभी जॉर्जियो वापस आता है जॉर्जियो लीना से कहता है सो यू गोइंग टू सिट दर ऑल डे और वॉट तो तुम क्या दिन भाई यहीं बैठने वाली हो लीना जाती है जॉर्जियो के पास जॉर्जियो स्माइल करते हुए बोलता है कम ऑन उमार कहता है वी आर गोइंग बैक टू फाइंड आर ग्रैंड मदर यू कुड कम विद अस इफ़ यू लाइक उसने बोला हम वापस जा रहे हैं अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढने के लिए तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो जॉर्जियो कहता है वी आर ऑल राइट ऑन आवर नहीं नहीं हम अपने में ठीक हैं लेना कहती है लेट्स गो विद डैम जॉर्जियो आई एम टायर्ड ऑफ बींग ऑल अलोन चलो ना इनके साथ चलते हैं मैं अकेले रह रह के परेशान हो चुकी हूँ जॉर्जियो कहता है इट्स माई जॉब टू गेट बैक एट टू गेट यू बैक एट द फादर ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें फादर के पास वापस लेके जाऊँ लीना कहती है यू कैन कॉल हिम देन विल जस्ट स्टार्ट वॉकिंग एंड विल कीप कॉलिंग एंटिल हीस बोलती है तुम आवाज़ दो आउल की तरह हुट करो हम जैसे ही जाते रहेंगे जहाँ भी जाएंगे हम हुट करते रहेंगे तब तक जब तक वो हमें सुन नहीं लेते जॉर्जो लुक्स एट आद दी अदर्स एंड देन ही पुट्स हिज हैंड टू हिज माउथ एंड कॉल्स लाइक एन आउल जॉर्ज अपना हाथ रखता है ऐसे सबकी तरफ देखता है और आउल की तरह हुट करता है द चिल्ड्रन स्टार्ट टू वॉक और बच्चे वॉक करने लग जाते हैं हाउ डू यू गेट दी एपल इन द बॉटल ओमार पूछता है मुझे बताओ ना तुमने बॉटल में वो एपल कैसे डाला था जॉर्जो लीना को बोलता है शेल वी टेल हिम क्या हम इसे बता दें ओमार कहता है आई कीप इट अ सीक्रेट फॉर एवर प्रोमिस मैं इसको हमेशा के लिए सीक्रेट रखूँगा प्लीज मुझे बताओ ना जॉर्जो कहता है वेल इट्स लाइक दिस मतलब उसमें क्या करते हैं तभी साउंड ऑफ़ एन आउल हुटिंग इन द बैकग्राउंड पीछे से एक आउल की आवाज़ आती है कि कोई आउल हुट कर रहा है कौन है वो क्या वो सच्ची का आउल है या वो उनके फादर हैं यस yes, ये जो स्टोरी है ये बहुत एक होपफुल नोट पे ख़त्म होती है बच्चे जो परेशान हैं जो अपने माता पिता से बिछड़ गए हैं लेकिन एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन ऑफ द प्ले वहाँ पे देर इज़ अ होप कि शायद वो अपने फादर को अब ढूंढ पाएंगे सो दिस वॉज द चैप्टर थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी आई होप आपको ये प्ले अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा फॉर एनी लाइक इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे इस कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी हमारी सारी वीडियोस सा आपको मैग्नेट ब्रीन्स की वेबसाइट पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्या करना है आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रींस डॉट कॉम पर क्लिक करना है जैसे आप इस वेबसाइट के एड्रेस को डालोगे तो यहाँ पे सारी क्लासेस अपेयर हो जाएंगी आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक एंड उसके बाद आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाई